इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली का जो आज का कार्यक्रम रहा, इसमें क्या कुछ उद्देश्य था आपके प्रेसिडेंट क्लब की, तो एक क्लब की प्रेसिडेंट होने के नाते आपका क्या कुछ उद्देश्य था आज के कार्यक्रम के लिए? आज का उद्देश्य यही था, इनर व्हील क्लब आम्रपाली की मैं प्रेसिडेंट बिमला सिन्हा बोल रही हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि जनरल बॉडी मीटिंग हो और उसके साथ एक प्रोजेक्ट हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस इंस्टीट्यूट में जो मैंने सोचा कि जनरल बॉडी मीटिंग हो, इसकी जो इसके जो कर्ता धर्ता हैं जेके सिंह, जितेंद्र कुमार सिन्हा, उन्हीं की पत्नी हमारे इनर व्हील क्लब ऑफ आम्रपाली की मेंबर भी हैं। तो उन्होंने ऑफर किया कि बिमला जी क्यों ना मेरे इंस्टीट्यूट में आप खूब अच्छे ढंग से अपना जनरल बॉडी मीटिंग कीजिए और मैं सब व्यवस्था भी कर दूंगी। उनको हम लोगों को लंच कराने का भी मन था, तो मैं आई और देखी और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जो लुप्त हो गया है, तो हरेक काम के बारे में अवेयरनेस आप सुनती होंगी कि अवेयरनेस जरूरी है, तो यहाँ भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं उनसे बात की और मैंने सोचा कि इसके बारे में अगर हमारी 30-35 मेंबर जानेंगी तो उससे और लोग जानेंगे और आने वाले जो बच्चे हैं वो 10th और 12th करने के बाद मुझे लगता है कि शायद और कोई परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट इसमें ट्रेनिंग के लिए एडमिशन होता है, 2-4 बरस की ट्रेनिंग है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे जो चीफ हैं उनसे जुड़े हुए जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये सब लोग बता चुके हैं आप लोगों को, हम लोग को स्लाइड भी दिखाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी चीज़, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जब ख़राब होता है तो मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हवाई जहाज़ में बैठना उतरना ये तो एक काम हो गया, लेकिन उस हवाई जहाज़ को ओके कौन करता है? ये छिपे हुए राजदार हैं हवाई जहाज़ के, हाँ ये जिनके बगैर हवाई जहाज़ ओके नहीं अगर करें तो हवाई जहाज़ में बैठे हुए लोग फिर उतर जाएंगे। तो इनका इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, और आपको ये लोग बता रहे हैं 45 साल से ये रन कर रहा है, इनका अच्छा रिपोटेशन भी है। तो एक होता है कि कोई चीज़ जानकारी के बाद बीच में अगर उस पर ध्यान नहीं दीजिए तो थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वही मेरा उद्देश्य था कि मैं यहाँ जनरल बॉडी मीटिंग भी करूँ और जो भी मेरे मेंबर्स आए हैं वो एज गार्जियन, अभिभावक के रूप में इस चीज़ को जाने इस इंस्टीट्यूट के बारे में और अभी सही आगे तक लेके जाए, जिससे कि बच्चों को, आने वाले बच्चों को फ़ायदा। मैं चाहती हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट के जो चीफ है उनकी पत्नी से मिलाऊँ, रेनू से, रेनू भाई परिवार की कभी जोर से भी नहीं बोलती हैं, लेकिन जब इनके साथ मैं आई और इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ली और उसके बाद जब इनका मैंने बोलना सुना तो लगा कि नहीं, जिसके पति जो काम में रहते हैं उसकी पत्नी को जानकारी हुई है, भले ही वो नहीं बोलती और इसके बाद इसका इनको तो श्रेय जाता ही है, इसका श्रेय हमारी विभा मेंबर हैं इनको भी जाता है। ये मेरे मन स्थिति को समझती हैं कि बिमला दी चाहती हैं कि अलग अलग जगहों पर जनरल बॉडी मीटिंग हो, उस मीटिंग के साथ एक प्रोजेक्ट भी हो जाए, एक नहीं 2-3 प्रोजेक्ट, तो ये मेरा साथ देती हैं, खोजी हुई रहती हैं जगह। तो आज हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जनरल बॉडी मीटिंग भी किए, अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुआ इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग जाने, उसके बाद बहुत अच्छा लंच, बहुत स्वादिष्ट खाना खाए हम लोग। तो मैं रेणु जी को पूरे इनर व्हील आम्रपाली की तरफ से धन्यवाद देती हूँ और विभा को धन्यवाद देती हूँ कि ये खोजी रहती है कि दीदी अब कहाँ पर होगा कार्यक्रम, यानी कि ये मान सकते हैं कि कार्यक्रम खत्म होते होते अगले कार्यक्रम की बस शुरू हो जाए, तैयारी हो गई है अगले कार्यक्रम। और कल हम लोगों का रुकनपुरा में जो पाम नर्सिंग व्यू के नाम से जो हॉस्पिटल था वो अब पंचमुखी हॉस्पिटल के नाम से स्थापित हो गया है और वहाँ पर 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ आए। तो क्या इसमें मतलब इनर व्हील आम्रपाली इनर व्हील आम्रपाली की तरफ से जीविका सरकार की सहायता से जीविका के दीदी लोग उसमें आएंगे
और इनर व्हील अम्रपाली की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है और दो व्हील चेयर दिया जा रहा है हॉस्पिटल को। अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। मैं नया ज्वाइन किया, हमारी बहन है रागिनी, वो चेयरमैन करने वाली है, उसी के जीत पर एक साल पहले ज्वाइन किया, तब मेरे साथ न्यू मेंबर है। ये प्रोजेक्ट का आने वाले समय में क्या फ़ायदा आपको दिख रहा है, कितनी जानकारी लोग जैसे लेडीज लोग हैं सबको पता चलेगा ना। मान लीजिए दो ही चीज़ जानते हैं, ये पायलट जानते हैं चाहे एयर होस्टेस जानते हैं और इंजीनियर जानते हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं है कि मेन वही है जो पर्दे के पीछे है, कि जब तक वो साइन नहीं करेंगे जहाज उड़ेगा ना। तो ये सब जानकारी मिली है तो आइएगा, जानकारी सबको पता चलेगा, आपको ही पता चला है, 10 आदमी को आप बताएंगे, ये बताएंगे और वो लोग बताएंगे, इसे पता चलेगा कि ये भी एक है जॉब का। इसके बिना तो मुश्किल है हवाई जहाज उड़ाना, लाइसेंस मिलने वाला है, एकदम है ना, हर को रखना ही है। और बच्चे 2 साल के बाद जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, वहीं उनको जॉब मिल जाती है। एयर इंडिया में गया ट्रेनिंग के लिए, अभी हमारा बच्चा गया हुआ एयर इंडिया है, उसके बाद आपको इंडिगो है, सब में है, सबसे कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो वही जॉब में उन्होंने यानी 100% जॉब की गारंटी मान लें। 100% हाँ, अगर पास नहीं करेगा पेपर तो कोई गारंटी नहीं है, नहीं पास करने का 100% गारंटी है, होना ही हमारे पास पढ़ाने के लिए नहीं है, हम लोग एयरफोर्स के रिटायर्ड आदमी को रख रहे हैं पढ़ाने के लिए। यानी फैकल्टी की आपको जो होता है वैसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर भी है, क्या कुछ आपके यहाँ से कुछ ऐसा ऑफर है? मान लीजिए किसी के फादर को कुछ हो गया, जिसे ले हाँ, उसके साथ हम लोग करते हैं, ऑल इन वन कोशिश करते हैं कि